बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो इस वक्त मैं किचन में आया हुआ हूँ और पकोड़े खाने का मेरा मूड हो रहा था, तो मैं अभी पकोड़े बनवा रहा हूँ। तो आपको मैं चेक कराता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये पकोड़ों का जो है वो ये मसाला आप देख सकते हैं ये, और ये भी एक पकौड़ा हमने डाल दिया। तो इंशाल्लाह जो ही पकौड़े बन जाते हैं तो फिर मैं आपके सामने इनको खाऊंगा, आप देखेंगे और फिर आप बताइए कि आपको देखने में मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे पकौड़े बनने के तक। तो उसके साथ पकौड़ों के साथ मैं चाय भी बना लेता हूँ, अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय भी बना लेता हूँ, और चाय के साथ के जो है वो पकौड़े इंशाल्लाह हम खाएंगे। तो तब तक के लिए हम क्या करते हैं कि हम पकौड़ों को देखते हैं, और इसमें मैं अगर लाइट लगा लूँ फ्रंट तो लाइट लगेगी नहीं, इसमें फ्रंट लाइट नहीं लगती। तो ये आप देख सकते हैं कि पकोड़े इस वक्त बन रहे हैं, ठीक है। तो जो ही ये बनते हैं तो हम इनको खाना शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर आप बताएंगे कि आपको कैसे लगे पकोड़े देखने में, आपके मुंह में पानी आता है नहीं आता जब मैं उनको खाता हूँ, तो आपने ये बताना होगा। बार तो ये पकौड़े बन चुके हैं जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं। तो अभी मैंने चाय भी पकने के लिए रख दी है, जब चाय बनती है तो फिर हम चाय भी साथ में पीते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक तरफ चाय रखी हुई है मैंने जो कि बन रही है, और ये एक तरफ पकौड़े रखे हुए हैं, और कुछ पकौड़े बन भी चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाले पकौड़े बन चुके हैं और ये चाय और पकौड़े मज़ीद बन रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और मैंने थोड़े से पकौड़े जो हैं वो टेस्ट भी किए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये इस वक्त पकोड़े हैं, ये मकई की रोटी भी है और ये चाय है, ठीक है। इस वक्त बन चुके हैं पकोड़े, काफ़ी कुछ खा भी चुका हूँ, दो चार और खाऊंगा, साथ में ये मकई की रोटी भी खाऊंगा इस टाइम चाय के साथ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं।